मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि सीवेज क्लीनिंग बिना किसी मशीन के। सीधा कहे तो सीवर में एक इंसान अंदर जाता है और अपने हाथों से सारी गंदगी साफ करता है। अब कायदे से तो ऐसा काम जैसे बाकी देशों में मशीनों से होता है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये काम इंसानों द्वारा किया जाता है। अब इन सीवेज क्लीनर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, हेल्थ हजार्ड। अब सीवर्स में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट होने की वजह से यहाँ पर जहरीली गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से सीवेज वर्कर्स में आँख खराब होना, ऑर्गन फेलियर, कोमा में जाना, दौरे पड़ना, बेहोश होना बहुत ही आम बात है। सेकंड प्रॉब्लम, लो सोसाइटल स्टेटस। अब सीवेज क्लीनर कहीं का हो, बेशक इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है। अब इंडिया में क्लीनिंग का सारा काम स्टार्टिंग से ही अनटचेबल्स करते आए हैं और आजादी के बाद भी वही कर रहे हैं। इंडिया में जितने भी सीवेज क्लीनर्स हैं वो सब दलित या आदिवासी हैं। अब उनकी जॉब को लोग अनक्लीन कंसीडर करते हैं और ऊपर से वो लोअर कास्ट हो गए, तो जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल होता है वो इन लोगों के साथ पीक पर पहुंच जाता है। भेदभाव करते हैं कि ये ऐसे काम करते हैं, ये वो उठाते हैं, ऐसे गंद उठाते हैं, पानी किसी से मांग लेंगे तो पानी की बोतल दे देंगे, रख देंगे, बोल देंगे ले जाओ हमें जरूरत नहीं इस पानी की बोतल की, घर में बोलेंगे आप घर में मत आओ हम अपने आप दे देंगे, बाहर के बाहर जो भी होता दे देते हैं, ये ले जाओ ये ले जाओ। और पाकिस्तान में मोस्टली सीवेज क्लीनर्स क्रिश्चियन धर्म के हैं, क्योंकि मुस्लिम्स इस वर्क को अनक्लीन मानते हैं और करना प्रेफर नहीं करते। तो अब पाकिस्तान के सीवेज क्लीनर्स रिलीजियस माइनॉरिटी होने के साथ साथ वो काम भी करते हैं जिसे मुस्लिम मेजोरिटी अनक्लीन बोलती है। डेट्स वाई इनके साथ भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एक सीवेज क्लीनर पॉइजनस गैस की वजह से बेहोश हो जाता है सीवर के अंदर, फिर उसको बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने उसे ट्रीट करने से मना कर दिया, ये कहकर कि रमजान के टाइम पर अगर मैंने तुम्हें टच किया तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेंगे, और फिर उसकी बॉडी को नहलाने के बाद ट्रीट करने को राजी हुए, लेकिन इतने टाइम में उसकी डेथ हो गई। थर्ड प्रॉब्लम, डेथ। अब बहुत सारे सीवेज क्लीनर्स की सीवेजेज में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि कई बार सीवेजेज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर जहरीली गैसेस के पाए जाने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अगर वो बेहोश होके नहीं मरते तो उनको बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं बार बार सीवेजेस में जा जाके, और एंड में उनकी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से। सीवर का जब ढक्कन खोल के घुसने की सोचते हैं घबराहट भी होती है, ये भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। पर सब कुछ सोचने के बाद जब घर की तरफ निगाहें जाती है तो ये होता है कि घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जो होएगा देखा जाएगा, कर लो काम। फोर्थ प्रॉब्लम, लो वेजेस। अब इतना जोखिम भरा काम करने के बाद भी उनकी वेजेस सिर्फ 300-400 रुपए प्रतिदिन होती है और कई बार तो इससे भी कम होती है। कहा बन पाते हैं अभी भी घर में, क्या घर में कुछ भी नहीं है अभी भी, किसी से मांग लेते हैं भाई 100 रुपए दे दो, कल परसों दे दूंगा काम आ जाएगा। तो फील तो बहुत होता है, रोना भी आता है बहुत, पर क्या करें मजबूरी हो रही है हमारी। फिफ्थ प्रॉब्लम, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब क्योंकि उनका काम डिजीज प्रोन है, इस वजह से मोस्टली सीवेज क्लीनर्स की डेथ बहुत कम उम्र में हो जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक एवरेज सीवेज क्लीनर 40 से 45 साल तक जीता है, वही एक एवरेज इंडियन 70 साल तक जीता है। अब इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैंड है बाय द लॉ, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। अब ये एक्ट एक प्रोग्रेसिव स्टेप जरूर है, जैसे कि पाकिस्तान में आज के टाइम तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन नहीं किया गया है, एंड सेम इज द केस विद बांग्लादेश, लेकिन ये स्टेप लेने के बाद भी इंडिया में आज के टाइम तक मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस बैन बाय गवर्नमेंट। अब ये इलीगल होने के बावजूद भी क्यों परसिस्ट कर रहा है इंडिया में, चलिए इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो किसी सोसाइटी का सीवेज ड्रेन ब्लॉक हुआ है, अब वो सोसाइटी वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो कि सीवेज साफ करवाता है उसे फोन करेंगे और उसे पेमेंट करेंगे, फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो मशीन खरीद के साफ करवा सकता है सीवेजेस को, लेकिन अब क्योंकि मशीन जनरली महंगी होती हैं तो वो फोन करता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स को और उसे थोड़ी पेमेंट देके उसे सौंप देता है सारा काम, और फिर ये सब कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोकल मैनुअल स्कैवेंजर्स को जानता होगा और वो इनसे सीवेज क्लीन करा लेता है 300-400 रुपए में। अब जो पैसा सोसाइटी वालों ने दिया था कॉन्ट्रैक्टर को वो हजारों की संख्या में था,
और ये पैसा रियल साफ सफाई करने वालों तक पहुंचते पहुंचते 300-400 में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई बीच में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचता है और इसी चक्कर में मैनुअल स्कैवेंजर्स की वेजेस तो कम होती हैं, बल्कि उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं दिए जाते ताकि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बचाए जा सके। और ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को हायर करते हैं जो कि एक इलीगल काम है। फिर ये पकड़े क्यों नहीं जाते? अब ये पकड़े इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो पुलिस और बाकी एजेंसीज हैं जो लोग को एनफोर्स करती हैं उनमें उनकी जान पहचान होती है, या करप्शन करते हैं या फिर पुलिस तक बात पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि पुलिस से शिकायत करने का काम होता है पब्लिक का और हमारे इंडिया की पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है। हम सबको ये चीज एक नॉर्मल एक्टिविटी लगती है, जैसे कि कभी ना कभी तो हमारी सोसाइटी में भी सीवेज की प्रॉब्लम आई होगी और हमने भी सीवेज क्लीनर से अपना सीवेज साफ करवाया होगा, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता होगा कि ये चीज इलीगल है। और यही कारण है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी इंडिया में परसिस्ट करती है। तो मेरे हिसाब से कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट और हमें मिलकर लेने होंगे जिससे हम इस इल प्रैक्टिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, गवर्नमेंट को सीवेज क्लीनिंग मशीनरीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक वो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कराने पड़े या फिर हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि सीवेज क्लीनिंग मशीनरी बना रहे हैं। सेकंड स्टेप, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, इनको गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके और ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है बाय एलिमिनेटिंग करप्शन, क्योंकि करप्शन अकेली पुलिस नहीं करती, करप्शन पब्लिक में बैठे लोग पुलिस के साथ मिलके करते हैं। थर्ड स्टेप, अगर आपकी सोसाइटी में कोई ड्रेन ब्लॉक होता है तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्टर सस्ते के चक्कर में किसी इंसान से सीवेज साफ ना करवाए। फोर्थ स्टेप, आपको कहीं पर भी कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करता दिखे तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। फिफ्थ स्टेप, अगर आपके आसपास कोई सीवेज क्लीनर रहता है तो आप सबसे अच्छी चीज यही कर सकते हैं कि आप उसके साथ भेदभाव ना करें, उसे छोटा फील ना कराएं, क्योंकि उसी की वजह से आपके शहर में इतनी सारी ड्रेनेज फैसिलिटीज चल रही हैं, और उसे इम्पोर्टेंट फील कराएं क्योंकि ही इज वेरी मच द बेस ऑफ आवर डेली लाइफ। थैंक यू। बंदा भी अगर नीचे जाता है ना तो वो अपने ज़मीर को मार के नीचे जाता है। अभी आप देख रहे थे कि जब मैं नीचे काम कर रहा था तो सर्फ़ वाला पानी था, ये लोग कपड़े धो रहे थे और उनका सर्फ़ वाला पानी जितना भी आया सारा मेरे ऊपर गिरा। इसी तरह ही होता है कि बहुत से लोग जो है ना अंदर से जाते हैं, वाशरूम जाते हैं और फ्लश कर देते हैं, तो समटाइम इस तरह होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो जितनी गलाजत होती है सारी ऊपर गिरती है।